नमस्कार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता श्री संजय ठाकुर जी से मिलने। सर, जिस तरह से मोदी लहर अभी चल रही है तो उस बारे में आप क्या बोलें? मोदी लहर तो चल ही रही है, अब उस बारे में हम क्या बोले, आप लोग बोलिए। पूरा देश चिल्ला रहा है आपकी बार 300 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। देश की सुरक्षा के विषय हैं, देश में आम नागरिकों के सुविधाएं, सिविक एमिनिटीज़ के विषय हैं, इन सारे विषयों पे 5 साल में सरकार ने बहुत तेज़ी से और बहुत ज़ोरदार तरीके से काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 5 साल के कामों को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक बार फिर हम प्रचंड बहुमत से इस देश की सरकार बनाएंगे और 300 के पार जाएंगे। कैसे, ऐसे कौन से वादे हैं जो अभी रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, वादा नहीं, हो तो हमारी कल्पना है भारत नव निर्माण की, पुनर्निर्माण की। यही तो फर्क है बेसिकली, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। आज़ादी के बाद से हम सभी इस देश की प्रगति को ही लेने का काम कर रहे थे, प्रगति लाने का काम कर रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस की कल्पना थी वो नवनिर्माण की कल्पना थी, हमारी कल्पना पुनर्निर्माण की थी। तो हम पुनर्निर्माण में अपने संस्कार और सभ्यता को जीवित रखना चाहते थे। वहीं कांग्रेस के जो नेता थे वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे और भारत का नव निर्माण करके पाश्चात्य सभ्यता से जोड़ के भारत के संस्कारों को नष्ट करना चाहते थे। यही तो हमारी वैचारिक लड़ाई है, जिसमें हम सफल हुए, भारत देश की जनता का आशीर्वाद मिला और आने वाले समय में फिर से हम अपने संस्कारों को बचाकर अपने देश को एक सुदृढ़ शक्ति बना सकेंगे। बहुत सी बातें सुनने में आई है कि नोटबंदी और ये GST से बहुत आर्थिक व्यवस्था, लोगों में गरीबी बढ़ी है, क्या ये सच है? गरीबी कांग्रेस वाले नेताओं के घर में आई है, बाकी आम जनता के घर में गरीबी नहीं आई है। नोटबंदी का असर ये हुआ कि जो कांग्रेस ने 6 सालों में 18 लाख करोड़ जो सरकार ने बैंकों को जरिए कर्ज दिया था, उसको 6 साल में 52 लाख करोड़ पहुंचा दिया। वो जो 6 साल में राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यालय से फ़ोन जागते थे और 32 लाख करोड़ रुपए जो बांट दिए गए अपने लोगों को, वो 32 लाख करोड़ रुपए लाने की जो तैयारी है, ये तो खोखला कर रहे थे देश को। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने भारत की आर्थिक स्थिति को 16वें-17वें नंबर से लाके अगर भारत को 6ठी और 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दी, तो फिर कहाँ गरीबी है? GDP बढ़ गया आपका, लोगों की, आप देखिए, जब UPA की सरकार थी 200 रुपये किलो तक दाल की कीमत हो गई थी, 70-80 रुपये किलो में आम आदमी को दाल मिल रही, आदमी दाल खा रहा है। गरीबी बढ़ गई कि अमीरी बढ़ गई? 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर कर दिया गया, करोड़ों लोगों को, 15 से 20 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के जरिए लोन देके उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करके उनके पैरों पे खड़ा किया गया। हमारी माताओं बहनों को जिनकी आंख और फेफड़े, आंख खराब हो जाती थी, फेफड़े की बीमारी हो जाती थी धुआं फूंकते फूंकते, उनके घरों में LPG कनेक्शन पहुंच गया और विकास हो रहा है। तो गरीबी बढ़ रही है कि लोग गरीबी की रेखा से स्तर से ऊपर जा रहे हैं? गरीबी कम हो रही है देश में, गरीबी स्तर के ऊपर, रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठा दिया है। यही दर्द कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के मन में है और ये सब डरे हुए हैं कि देश की जनता इनसे जवाब मांगेगी। अगर फिर से एक बार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो उनको ये डर इस बात का है कि जब जनता पूछेगी कि आज़ादी के बाद 70 सालों में 55 साल अकेले कांग्रेस ने राज किया, तो आपने ये सब क्यों नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में 7 साल में कर दिया? ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसा ना हो कि जनता सड़क पे दौड़ा के मारे इन लोगों को। इस चीज़ से बचने के लिए किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस सरकार को गिराया जाए, लेकिन देशद्रोहियों से मिलके, पाकिस्तान से मिलके, आतंकवादियों से मिलके अगर वो इस देश की सत्ता पाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता समझदार हो चुकी है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की बहुमत की सरकार बनाएगी और आने वाले 5 सालों में ये जितने भ्रष्टाचारी हैं आपको सब जेल के अंदर नजर आएंगे। राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज्यादा उठने में अभी सुनने में आ रहा है, तो उसके लिए क्या बोले? देखिए, ऐसा है कि हमारी सबकी ये भावना है कि भगवान प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए और वो बनेगा भी। आज हमारा जो घोषणा पत्र आया उसमें भी कहा गया है कि हम लोग बहुत सक्रियता से ये प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि वो मामला कोर्ट में है सब जुडिस है, सरकार का या पार्टी का रोल तब आता है जब कोर्ट उसको, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ जाए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, जल्द ही निर्णय आएगा।
अगर मंदिर बनाने के पक्ष में निर्णय आया तब तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर कहीं इसके पक्ष में निर्णय न आया तब सरकार अपना निर्णय लेगी और आश्वस्त रहे देश की जनता, भारतवर्ष में अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। अभी पार्टियों को लेकर जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें जातिवाद का कितना हाथ है? देखिए ऐसा है कि ये तो आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने जातियों को, विभिन्न जातियों को एक दूसरे से लड़ाकर जातिवाद की राजनीति कर कर इस देश के लोगों को तोड़ के विभाजित करके रखा हुआ है। अंग्रेजों से, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो नीत और राज करो वाली नीत को जवाहरलाल नेहरू से लेके आज के राहुल गांधी जो आज के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन तक ये लगातार चला आ रहा है। और इसीलिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन इसी आधार पे कर रहे हैं कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का जो परिवार है वो यादवों का वोट बांट लेगा, मायावती जी का जो कुनबा है वो दलित पिछड़ों को, अति गरीब लोगों को बांटने का प्रयास कर रहा है, ऐसे ही लालू यादव बिहार में बांट रहे। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि देश के लोग अब समझ चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में जो विकास का काम किया है उसमें जात देख के किसी को लाभ नहीं दिया है। जात और धर्म से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब और हर जरूरतमंद को एक सहूलियत पहुंचाई है, उसकी मदद की है, उसको खड़ा करने का प्रयास किया है और इससे इस देश की जनता ये समझ गई है कि यही सरकार है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करती है। इसलिए जाति का विषय लाके कितना भी इस देश को तोड़ने का प्रयास करें विपक्षी पार्टियां, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार भारत देश के दबे कुचले वंचित गरीब ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है और इसी तरह से काम करती रहेगी और भारत एक सुदृढ़ भारत होकर उभरेगा। इनकी लोगों की राजनीतिक साजिश में इस देश की जनता अब नहीं आने वाली। अभी नए नए स्लोगन्स भी चले हैं, मैं हूँ चौकीदार, कितना कामयाब रहा है ये कैंपेनिंग? अरे मैं भी हूँ चौकीदार, आप भी हैं चौकीदार।